सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। रेड्डी वाले साईं बाबा आया है तेरे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वी हैव कम आउट फॉर अ वॉक। घर फाइनली सेट हो गया तो फाइनली मुझे थोड़ा टाइम मिला टू एंजॉय द नेचर। सो दिस इज वेयर वी हैव कम। दिस इज वर्सोवा बीच। लुक एट दिस ब्यूटी। सो फाइनली वी आर बैक होम एंड नाउ मम्मा और आंटी बनाएंगे आलू के पराठे। बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी मुझे घर के आलू के पराठे खाने की। आलू के पराठे खाएंगे और हम दही के साथ अचार के साथ मज़ा आ जाएगा। हमारे घर की जो मम्मियाँ हैं वो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करती हैं। तो ये जो आलू के छिलके हैं ये आलू के छिलके पानी में डाल के वही पानी पौधे में डालना फिर पौधे जो हैं वो ग्रो करते हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर हम ये सब करने वाले हैं। आलू के पराठे बन रहे हैं। बहुत खाने का मन कर रहा था तो खाती थी। उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। थोड़ा मार्केट भी जाना है और आज रात को हम लोग शिरडी जा रहे हैं। पापा भगवान की मूर्तियाँ जो हैं वो साफ कर रहे हैं। कोलगेट से कर रहे हैं चंदन से कर रहे हैं। एक्चुअली पीताम्बरी हो तो फिर बहुत सही होता है। उससे बहुत अच्छे से हो जाता है। और यहाँ पे मम्मी पपीता काट रही हैं। मम पापा की बहुत अच्छी आदत है कि वो सुबह उठ के दोनों फ्रूट्स खाते हैं। पपीता खाते हैं स्पेशली। कहना ब्रह्मानु जूस पीवानो मजा नी लाइफ। ये है हमारा आलू का पराठा कर्ड मिर्ची का अचार। एवरीबडी इज ईटिंग। चिकी इज वर्किंग। चिकी ईट। आंटी कौन सी मसाज की बात कर रहे हो आप? पापा क्या कहाँ से मसाज करवानी है आपने? थाई स्पा। सैंडविच मसाज कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का। ये अश्लील है ये लोना। सो वी जस्ट हैड छोले भटूरे एंड नूडल्स। आज थक गए थे बेचारे सब तो किसी को खाना बनाने का मन नहीं था तो हमने वो ऑर्डर किया। हमने खाया और अभी सब डिज़र्ट खा रहे हैं बैठ के जो कि मेरी सासू माँ ने बनाया है और वो बहुत टेस्टी है। आई जस्ट हैव अ बाइट। थैंक यू मम्मा। सो टुडे आई एम गोना शेव माय मॉम्स फेशियल हेयर। Let's do it. This is one side. This is the other side. So now I'm gonna shave my face. So I just blow dried my hair a little and अब मामा ने भी जस्ट हेयर वॉश किया है। So I'm gonna do her blow dry. So we're gonna put this spray on mama's hair. So finally हम निकल चुके हैं और हम रास्ते में हैं। और ये दादा हंसे क्यों? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। पापा बैठे हैं। पापा ओम साई राम। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब ब्लास्ट टू फॉर। सो वी आर फाइनली इन शिरडी एंड पापा इज स्लीपिंग। सो हमने ये होटल रूम लिया है गोल्डन स्क्वायर। हमने ये वाला रूम लिया है बिकॉज वी हैव टू स्लीप फॉर लाइक 2 hours। सो व्हाई डू वेस्ट मनी। 5 बेड्स एंड वी गॉट दिस रूम इन 3500 ओनली। मैं नहीं मानता। एंड देयर इज वन बाथरूम। तो मुझे सबसे पहले यहाँ से भेजा जा रहा है। सब यहाँ तक अपनी कमर सीधी करेंगे। मैं जाऊंगी नहाने उसके बाद सब जाएंगे। हम लोग आए थे कक्कड़ आरती के लिए सुबह बट उसके लिए हमें 4:30 मंदिर में होना चाहिए था बट देन 4:30 हम यहाँ पे पहुँचे हैं बिकॉज ट्रैफिक मिल गया था। हम लोग लेट हो गए। अब आरती तो नहीं हो पाएगी बट एनीवे दर्शन करके हम लोग आ जाएंगे। फिर उधर सोएंगे ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग आएंगे सोएंगे और इसके बाद 2-3 घंटे के बाद ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। विल गो टू शनि मंदिर। सो आई गेट रेडी। सो फाइनली आई एम रेडी। आई फॉरगॉट माई बेबी क्रीम तो मैंने बस अपना कॉम्पैक्ट लगा लिया एंड फ्लश ऑन लगा लिया एंड आई एम रेडी।
just have to go and wearing these earrings. I got these from Redside and I love them. And they're for $300 only. चलो निकलते हैं. अच्छा ठीक है, हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं एंड वहाँ पे फोन्स अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी. तो मैं आके ब्लॉग बनाऊँगी एंड आई प्रे फॉर यू ऑल. बाय बाय, ओम साई राम. हम लोग दर्शन करके आ गए थे, उसके बाद हम लोग आके थोड़ी देर सो गए थे. वी स्लेप फॉर 3 hours एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर. एंड उसके बाद हम लोग वहाँ पे जो लंगर है लंगर खाएंगे. Then we'll go to Shani गांव. चलो आपको भी लेके चलती हूँ. हाय हाय, इतना सुकून. ये है साईं बाबा का मंदिर. This श्री साईं प्रसादालय. So story behind this place is, जो यहाँ पे साईं बाबा थे वो ये जो दिख रहा है इतना बड़ा जो पतीला, उसमें बाबा खाना बनाते थे. And literally गरम गरम खाने के अंदर वो कड़छी लेके नहीं, अपने हाथ लेके वो खाना ऐसे हिलाते थे और सबको देते थे. एंड जो वैष्णव लोग होते थे उनको वेज मिलता था, एंड जो नॉन वेजिटेरियंस होते थे, जो मुस्लिम्स होते थे, उनको नॉन वेज मिलता था. दिस इज द लंगर हॉल. और खाने में है दही, आलू की सब्जी, ये कोई सब्जी है, रोंगी की दाल है और साथ में ये दाल है, राइस है, पापड़ है. और सो माए हैं छोटे बाबा के मंदिर, खांडवा मंदिर. वेलकम, आप आए हैं छोटे बाबा के मंदिर में आए हैं. ये जो पेड़ है ये 250 साल का पेड़ है. तो पेड़ के नीचे साईं बाबा आते थे, बैठते थे. पड़ोसन खंडवा का मंदिर है. बाबा का परम भक्त महासपति थे, उन्होंने आवाज़ दिया था, बाबा यहाँ खड़े थे पेड़ के नीचे, आओ साईं. तब से बाबा का नाम साईं रखाया. आगे बाबा की मूर्ति है. हम आए हैं साईं बाबा हेरिटेज विलेज. सो लेट्स गो इनसाइड द विलेज. लग नहीं रहे हैं मम्मा के पापा, लग रहे हैं तो. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर. ये देखो बाबा यहाँ पर सबको खाना खिला रहे हैं. देखो चिकी, बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई. इतने जोर से ढकार कौन मारता है? ये देखो कौन मारता है. पापा बाहर है हम लोग, थोड़ा सा लिहाज करो. सो वी ऑल डिड आवर लिटिल फोटो शूट. फोटो शूट किया है और फोटो देखी हमारी. का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है. नाउ वी गोइंग टू शनि शिंगलापुर, लेकिन उससे पहले हम पियेंगे गन्ने का जूस. तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं शनि शिंगला मंदिर. और ये टोकरी लिए हमने. आप सिर्फ तेल भी चढ़ा सकते हो इफ यू गाइस वांट. की बोले दादी? नीलांजलि महेश समारहासम रविपुत्रम जमागजम छायामतम दशम दूतम तम नमामि शनि. ये शनि मंत्र है ना? जय शनिदेव, जय शनिदेव. जय. तो नया मंदिर बन रहा है ये. इट्स ब्यूटिफुल. दीज आर द लोकल शॉप्स वेयर यू कैन गेट स्मॉल स्मॉल थिंग्स. ये देखिए दादा क्या कर रहे हैं. क्या कर रहे दादा? पकड़े हैं आपकी वीडियो बना ली मैंने. सो दिस इज फैन. हाउ डू वी यूज इट? वी यूज इट लाइक दिस. भैया आपका शॉप का नाम क्या है? श्री रत्ना विल टीच.
शनि रत्त नॉवेल्टी शनि सिंगापुर ओके हाँ कृष्णा मुखर्जी। चलो मुझे एक सब्सक्राइबर मिल गया भैया, सब्सक्राइब करेंगे अभी। Everybody was so tired and सब कुछ चाय पीनी थी, सो हम लोग यहाँ पे रुके हैं, छोटा सा एक ढाबा टाइप है, यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं और मॉम वाज क्रेविंग फॉर वड़ा पाव, तो हम लोग चाय और वड़ा पाव खाएंगे। कैसा लग रहा आंटी वड़ा पाव? मस्त। मिर्ची का वेट कर रहे हैं? 4 घंटे में, 7 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे में आने वाला। कैसा है? कल एकदम मस्त, कल की बात आ रही है। चलो अब मैं भी खा लेती हूँ, यहाँ से रनिंग बढ़ गई, मस्त मस्त वड़ा पाव। ऐसे जाएंगे ना, यहाँ से वापस भी जाएंगे तो उतना घंटा जाएगा ना। गर्मा गर्म चाय आ गई है, चाय पीते हैं आंटी। बताओ चाय कैसी है? गुड। किलोमीटर है बड़ा बहुत तीखा ना, यहाँ से finally we are here Molly veg pure veg restaurant yeah masala papad jo ki inko bahut tasty laga and you've first time khaya na masala papad yeah next papa ko kaisa laga acha laga tasty dada to apni bibi ke sath busy hai subah se baat nahi hui hai to baat kar rahe hain maine mangwaya hai pulao roti raita and dal aan do अब मैं खाऊंगी प्याज। दोनों भाइयों ने त्रिपल ने जोपाल ने 40 रोटी इतने खाई है, टोटल 80 रोटी। मस्तानी ड्राई फ्रूट मंत्र। आंटी खाओ। मैं खाऊंगी पान, मीठा पान। मेरे को बहुत दिन से मन करा मीठा पान खाने का। और है मीठा पान।